लोकसभा चुनाव से पहले मायावती के भतीजे और बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को मिली वाई प्लस सुरक्षा। केंद्र सरकार ने लिया फैसला दोस्तों। लोकसभा चुनाव से पहले बसपा प्रमुख मायावती के भतीजे आकाश आनंद को वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा दी गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आकाश आनंद को ये सुरक्षा दी है। बता दें, आकाश आनंद को मायावती ने पिछले साल दिसंबर में अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। आकाश ने लंदन के कॉलेज से MBA करने के बाद 2017 में राजनीति में एंट्री ली थी। तो भैया, हम सबसे पहले यह जानना थे कि आकाश आनंद कौन है। आइए दोस्तों, आकाश आनंद BSP सुप्रीमो मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे हैं। आकाश ने लंदन के एक नामी कॉलेज से MBA की डिग्री हासिल की। आकाश पिछले कई सालों से पार्टी में एक्टिव थे। युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए आकाश ने हाल में हुए 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी संभाली थी। साल 2017 में UP विधानसभा चुनाव हारने के बाद मायावती ने इन्हें जनता के सामने पेश किया था। मायावती ने घोषित किया था उत्तराधिकार। दोस्तों, साल 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान बसपा ने आकाश आनंद को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया था। इसी समय बसपा का सपा के साथ गठबंधन टूट गया और आकाश आनंद को पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर घोषित किया गया। इसके बाद दोस्तों इसके बाद साल 2022 में हुए हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बसपा के स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई, जिसमें आकाश का नाम मायावती के बाद दूसरे नंबर पर था। इन्हें विभिन्न राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी कैडर को तैयार करने का काम भी सौंपा गया था। इसके बाद मायावती ने आकाश को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था।